बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है स्केयर रूट एक्स प्लस 1 प्लस स्केयर रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू स्केयर रूट एक्स प्लस 6। ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन है। तो सेकंड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि हम टू टाइम्स स्केयर ले लेंगे और फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लेंगे। तो हम स्केयर ले लेते हैं दोनों तरफ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्केयर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्स प्लस 1 प्लस स्केयर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्केयर आ जाएगा इक्वल टू स्केयर रूट एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 का होल स्केयर। ये स्केयर और ये स्केयर रूट तो इजीली कैंसिल हो जाएंगे, बट हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला आ गया, ए प्लस बी का होल स्केयर, जो इक्वल होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स प्लस 1 स्केयर रूट हमारे पास ए है, स्केयर रूट एक्स माइनस 2 हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है। तो इसके उस फार्मूले के मुताबिक इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो बी यहाँ पे स्टूडेंट एक्स माइनस 2 है का स्केयर प्लस फार्मूले का 2 एज इट इज इन टू ए। ये हमारे पास यहाँ पे है एक्स प्लस 1 इंटू बी, बी की वैल्यू यहाँ पे है स्टूडेंट्स एक्स माइनस 2 इक्वल टू, यहां से रिमेनिंग है x प्लस 6। फर्दर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहां से रिमेनिंग आ गया x प्लस 1 प्लस ये एज इट इज x माइनस 2, यहां से रिमेनिंग आ गया प्लस 2 एज इट इज। जब दो हमारे पास टर्म रेडिकल की फॉर्म में हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनके ऊपर हम एक ही रेडिकल ले लेते हैं और उनके अंडर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स प्लस 1 को एक्स माइनस 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। प्लस 1 को प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स प्लस 6 एज इट इज। अब ये इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का एक्स है, ये भी प्लस का एक्स है, मिलकर 2x हो जाएंगे। ये माइनस 2 है, ये प्लस का 1 है, तो यहां से क्या जाएगा माइनस 1, क्योंकि बड़े नंबर के साथ हमारे पास क्या है माइनस की अलामत है, प्लस 2 एज इट इज इन टू स्केयर रूट एक्स का स्केयर एज इट इज। माइनस 2x है, प्लस एक्स है, माइनस 2x से एक एक्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस एक्स बच जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब हमारे पास ये फर्स्ट टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन की फॉर्म आ गई है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, रेडिकल साइन को सबसे पहले सेपरेट करते थे फिर इसके ऊपर स्केयर लेते थे। तो अब हम जो टर्में इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एज इट इज आ गया स्टूडेंट्स। ये प्लस का 2x है, इक्वल के दूसरी जानब लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 1 है, इक्वल के दूसरी जानब जब इसको शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो यह आ जाएगा प्लस 1। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एज इट इज इन टू स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 स्टूडेंट्स एज इट इज आ गया इक्वल टू, ये एक्स है, इधर माइनस 2x है, माइनस 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, प्लस 6x है और प्लस 1 है, तो 6 में 1 को ऐड करेंगे तो प्लस 7 आ जाएगा। फर्दर स्टूडेंट्स इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इस रेडिकल साइन को हमने कैंसिल करना है, तो इसके लिए हम अगेन स्केयर ले लेते हैं दोनों साइड। तो अगेन स्केयरिंग अगेन बोथ साइड, दोनों तरफ हम अगेन स्केयर ले लेते हैं स्टूडेंट।
टू का स्केयर हम सेपरेट कर लेते हैं, टू का स्केयर आ गया इनटू स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस टू का स्केयर हम सेपरेट कर लेते हैं इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सेवन का होल स्केयर आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो टू का स्केयर क्या होता है फोर, ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल, यहां से आपके पास आ गया एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू, अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया ए प्लस बी का होल स्केयर, उसके मुताबिक इसको ओपन कर लेते हैं, ए यहां पे माइनस एक्स है बी यहां पे सेवन है तो माइनस एक्स का स्केयर प्लस बी, बी की जगह पे सेवन का स्केयर प्लस टू फार्मूले का इंटू माइनस ए इंटू ए, ए की जगह पे माइनस एक्स इंटू बी, बी की जगह पे सेवन पुट कर लिया स्टूडेंट्स हमने जस्ट। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो फोर को अंदर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं वन बाय वन, फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स, फोर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है प्लस माइनस माइनस, फोर को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे फोर एक्स आ जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है प्लस माइनस माइनस, और फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आ जाएगा इक्वल टू, पावर इवन है तो माइनस को क्या बना देगी प्लस, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन टू जार क्या जाएगा फोर्टी नाइन, सेवन सेवन जार हमारे पास क्या जाएगा फोर्टी नाइन, प्लस इंटू माइनस माइनस, सेवन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू को सेवन से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा फोर्टीन, और सात क्या जाएगा एक्स। स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जिधर हमारे पास बड़ी रकम है उधर इन टर्मों सारी टर्मों को क्या कर लेंगे शिफ्ट कर लेंगे इक्वल की उस जानक, तो इधर हमारे पास बड़ी टर्म है फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट एज इट इज, ये माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल के दूसरी जानब लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस फोर्टी नाइन है तो इक्वल के दूसरी जानब शिफ्ट करेंगे तो माइनस फोर्टी नाइन आ जाएगा, ये माइनस फोर्टीन एक्स है इक्वल के दूसरी जानब शिफ्ट करेंगे तो प्लस फोर्टीन एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर वाली टर्मों का घटा करके लिख लेते हैं, एक्स वाली को घटा और कॉन्स्टेंट टर्मों का घटा करके लिख लेते हैं तरतीब के साथ, फोर एक्स स्क्वायर एज इट इज और माइनस सात इसके आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स एज इट इज, और इधर हमारे पास है प्लस फोर्टीन एक्स और माइनस एट एज इट इज और माइनस फोर्टी नाइन एज इट इज इक्वल टू जीरो, जस्ट हमने टर्मों का इकट्ठा करके लिख लिया एक्स स्क्वायर वाली एक्स वाली और कॉन्स्टेंट वाली। अब ये है फोर एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर में से एक एक्स सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से बच जाएगा स्टूडेंट्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स है प्लस का फोर्टीन एक्स है, फोर्टीन एक्स से फोर एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस टेन एक्स बच जाएगा, माइनस एट है और माइनस फोर्टी नाइन है तो जब ये आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का तो ये आ जाएगा फिफ्टी सेवन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, तो कोई भी मेथड आप सिलेक्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन का कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड यूज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्योंकि इसके फैक्टर बनाने थोड़े मुश्किल होंगे इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर लेते हैं। तो जो कॉन्स्टेंट की जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है तो ए इक्वल टू यहाँ से आ गया थ्री, जो एक्स की वैल्यू होती है वो बी का कोएफिशिएंट होता है तो बी इज इक्वल टू टेन, इसी तरह हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी की वैल्यू होती है सी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी सेवन आ गया। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, इसमें आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट क्या है टेन पुट कर ली प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर तो बी की वैल्यू है टेन, टेन का स्क्वायर आ जाएगा माइनस फोर एज इट इज, ए की प्लेस पे उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे थ्री, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस फिफ्टी सेवन पुट कर ली डिवाइडेड बाई टू इंटू ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है थ्री पुट कर ली। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक्स इक्वल टू माइनस टेन आ जाएगा प्लस माइनस यहां से स्केयर रूट, टेन का स्केयर क्या होता है हंड्रेड, माइनस इंटू माइनस प्लस, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व
और 12 को 57 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 84, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू माइनस 10 एज इट इज प्लस माइनस स्केयर रूट 100 प्लस 6684 है, इनको हम ऐड कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 784, 784 डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज। जस्ट हमने क्या कर लिया, 6484 में हमने ऐड कर लिया 100 को, तो हमारे पास आ गया 784। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस स्केयर रूट 784 का जो स्केयर रूट होता है वो 28 होता है स्टूडेंट्स, तो पुट कर लेते हैं 28 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। 784 का जो स्केयर रूट होता है वो 28 होता है। अब स्टूडेंट्स हम इसको एक बार प्लस करके लिख लेंगे और एक बार इसको माइनस करके लिख लेते हैं, तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस करके लिख लेते हैं पहले, प्लस 28 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। सेपरेट करके इसको माइनस के इक्वल भी पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 10 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 6। जस्ट स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक बार इसको प्लस कर लिया और एक बार इसको माइनस कर लिया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू माइनस 10 है प्लस 28 है, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 6 1 और 6 3 जार 18, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू माइनस का 10 है माइनस 28 है, ऐड हो जाएंगे साइन की, साइन माइनस का ही रहेगा, तो 28 में 10 को जब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 6। तो इस ये 2 पे जाएगा, 3 2 जार 6 और 19 2 जार 38, तो यहां से हमारे पास आ गया स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस 19 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास दो एक्स की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने इनको पुट करना है ओरिजिनल क्वेश्चन में और इसकी चेकिंग करनी है, तो पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पुट कर लेते हैं पहले x इक्वल टू 3 ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो जस्ट x की जगह पे हमने 3 पुट करना है, तो x प्लस 1 है तो 3 x की जगह पे पुट कर लिया, प्लस 1 एज इट इज प्लस स्क्वायर रूट एज इट इज x की जगह पे 3 पुट कर लेंगे, माइनस 2 एज इट इज रहा इक्वल टू एक्स प्लस 6 है तो एक्स की जगह पे 3 पुट कर लेंगे प्लस 6। जस्ट स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्स की जगह पे 3 की वैल्यू पुट कर ली है। सॉल्व करते हैं, तो 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 प्लस स्केयर रूट, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा 1 इक्वल टू स्केयर रूट, 3 प्लस 6 करेंगे तो क्या जाएगा 9। फर्दर इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2 प्लस 1 का स्केयर रूट क्या होता है 1 ही होता है इक्वल टू 9 का स्केयर रूट क्या होता है 3, इनको ऐड कर लेते हैं 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 19 बाय 3 इस ओरिजिनल क्वेश्चन में, पुट x इज इक्वल टू माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3, ये हम पुट कर लेते हैं इस ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो स्केयर रूट x है तो x की जगह पे माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 एज इट इज प्लस एज इट इज स्केयर रूट x है तो x की जगह पे माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू स्केयर रूट एज इट इज x है तो x की जगह पे स्टूडेंट पुट कर लेंगे माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 हम एलसीएम ले लेंगे, यहां पे हमारे पास 3 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 19 एज इट इज 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा प्लस एज इट इज स्क्वायर रूट, यहां पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे भी हमारे पास 3 एलसीएम आ रहा है, माइनस 19 एज इट इज 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहां पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 19 एज इट इज
सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, माइनस 19 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3, और माइनस का 16 आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, प्लस स्क्वायर रूट माइनस 19 है और माइनस 6 है, आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा तो यह आ जाएगा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट एज इट इज माइनस 19 है प्लस 18 है, तो यहां से क्या जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस की अलामत है, डिवाइडेड बाय 3। फर्दर इसको स्टूडेंट्स अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4, माइनस की वजह के साथ की वजह से यहां पे 7 आ जाएगा आयोटा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, प्लस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, इस माइनस की वजह से इसके साथ आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, जबकि इस माइनस की वजह से क्या जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 प्लस 5 क्या जाएगा 9 डिवाइड आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट क्या जाएगा 3 इक्वल टू 1 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो यहां पे आप चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो है x इज इक्वल टू माइनस 19 बाय 3 ये हमारे पास क्या होगा एक्सट्रोनियस रूट होगा, ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। नाउ हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू आ जाएगा 3 और एक्सट्रोनियस रूट हमारे पास होगा 19 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास एक्सट्रोनियस रूट आ गया। तो ये थी हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।